तो आप लोगों को जाते जाते दिखाता हूँ, आप जब भी कभी आए कि यहाँ पे दाल पूड़ी वाला भी है, वो भी काफ़ी फेमस है, वो भी काफ़ी फेमस है, आप वहाँ से दाल पूड़ी भी खाएँ जब भी यहाँ आए। जो बापू है इसका भी क्यूपिप जैसा ही है, इसके क्यूपिप का ये साथ है, यहाँ पे अक्सर बारिश यहाँ पर भी होती रहती है और अभी यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है और मेरे पास तो अम्ब्रेला भी नहीं, आज अम्ब्रेला नहीं है मेरे पास, तो कोई बात नहीं कहीं रुक जाऊँगा अगर बारिश आई, लेकिन अभी के लिए ठीक है मौसम। देखो तो हल्की हल्की बारिश आ चुकी है, अब जब भी कभी ज़्यादातर मोस्टली जब आप क्यूपिप या फनिक्स या यहाँ पर आओ तो अपने पास लाजमी अम्ब्रेला रखो, क्योंकि ये जो इलाके हैं इसमें पता नहीं चलता है कब बारिश हो जाए। फ्लोरियाल आल्सो, ये देखो वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, मैंने भी खाने थे दाल पूड़ी लेकिन मुझे नहीं लगता कि खा पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो मुझे वापस जाना है घर। ये देखो यहाँ से मिलती है दाल पूड़ी, ये है सामने एमसीबी, एमसीबी के सामने है ये एमसीबी है, ये देखो यहाँ से दाल पूड़ी काफी फेमस है, देखो बहुत ज्यादा रश रहता है। चलो थोड़ा भी आप लोगों को आगे से भी दिखा के आता हूँ, तो मेरे साथ रहना, दूसरी साइड में जाता हूँ, एक तो चलने के लिए जगह ठीक है, इस साइड में जगह कम है। मौसम ठीक है अभी, लेकिन बारिश का कोई पता नहीं कब आ जाए, तो मैं वहाँ तक जाता हूँ, यहाँ पे एक चौक है वहाँ तक जाता हूँ। और यहाँ ये भी काफ़ी बड़ा है बाकवा जो है, इसका मौसम भी अच्छा रहता है लेकिन ज़्यादा बारिश होती है, अगर ज़्यादा बारिश होती हो तो तब भी बनता प्याड़ा हो जाता है ना, बारिश होना चाहिए वीक में एक बार फिर ठीक है, अगर ज़्यादा बारिश हो तो फिर अच्छा नहीं है। अभी देखो हमारे जो वहाँ बारिशें कम होती हैं ना, जब भी बारिश होती है लोग एंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं, बारिश को बहुत खुशी होती है जब बारिश आती है हमारे वहाँ हमारे इलाकों में पाकिस्तान में। ये देखो सब कुछ बाहर का शायद सेल लगी हुई, सेल तो यहाँ काम ही लगती है, ये तो ज़्यादा आपको अगर थोड़ा
सस्ते में चीज़ें लेने जाती हैं वो आपको पोर्टलिस से ही मिलेगा। आप पोर्टलिस में जाएं, यहाँ मार्केट जो होती है वेजिटेबल मार्केट ऐसे ऐसे जगहों पे, वो नॉर्मली आपको ठीक रेट में, मतलब कि जो रेट चलता है वही मिलेगा, जो शॉप में होता है फिक्स रेट। अगर आप कहीं मार्केट वगैरह यहाँ आप जाएंगे वहाँ पोर्टलिस में, तो आपको चीज़ें थोड़ा सस्ते में मिल जा सकती हैं। हाँ, मैं यहाँ से वापस जाऊँगा आगे, मतलब कि काफ़ी दूर है। अगर आप जाना चाहते हैं लंदन मार्केट, सुपर मार्केट भी है लंदन, और मतलब कि काफ़ी बड़ा है। अभी बारिश का कोई पता नहीं कब आ जाए, और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं, इसलिए हम मुझको वापस जाना चाहिए। तो मैं वापस थोड़ा यहाँ से ऐसे अभी और दूसरी साइड से जाता हूँ वापस, तो आप लोगों को और भी दिखा सकूँ। अरे बाप, मेरी किस्मत अच्छी है, मैं जल्दी अभी भाग आया हूँ तो फौरन ओपन हो गया। अभी मैं वापस जाता हूँ, तो यहाँ से वहाँ मेट्रो स्टेशन का जो लाइन है ना, उसके साथ साथ जाता हूँ। अभी बंद है लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप चल सकते हैं अगर बिल्कुल भी साइड में कोई नहीं आ रहा है तो। और आप लोगों को दिखाता हूँ मार्केट कहाँ पर लगती है। बकुआ का अगर मार्केट में आप आना चाहते हैं, जो वेजिटेबल मार्केट है, वो ट्यूसडे और फ्राइडे को लगती है। मैं भी दूसरी साइड में आ चुका हूँ, सीधा ये मेट्रो के स्टेशन पे जाएगा, तो मैं वहाँ सीधा मेट्रो स्टेशन में जाता हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा तो रश नहीं है, ज़्यादा रश भी नहीं है, तो ऐसे में चलता जाता हूँ। यही मार्केट है सामने, वो जो दिख रही है ये वाला, और पास ही उसके मेट्रो स्टेशन है और बस स्टेशन भी है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने अगर नहीं किया हुआ तो ऐसे ही बस प्यार देते रहें, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वहाँ पर ही आ चुका हूँ, यहाँ से वीडियो स्टार्ट किया।